लास्ट सैटरडे या संडे को हम लोग यहाँ पर आए थे ना, इस लेक में आए थे, तो ये बंद थी। तो आज हम फिर से आए हैं, इस बार टाइम से आ गए हैं। शायद इस टाइम पे 6:45 बज रहे होंगे, तो रुधान को आधा घंटे का टाइम मिल जाएगा। एक मिनट, रुधान आगे चलते हैं, चलो उधर उस तरफ चलते हैं, उस उधर रास्ता है ना, उधर उधर तो उधर। पता नहीं क्यों ना, मुझे ये बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन जैसी लेक नहीं लगती है, बट उन्होंने ट्रैक जैसा बना रखा है, तो जो मॉर्निंग वाले होंगे ना उनके लिए तो अच्छा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है मॉर्निंग में ना लोग पक्के से यहाँ पर आते होंगे मॉर्निंग वॉक करने के लिए, क्योंकि उनके लिए अच्छा है, काफ़ी पेड़ पौधे हैं, ट्रैक है, बट बहुत नीट एंड क्लीन नहीं है। यह सरजापुर में पड़ती है, बैंगलोर के सरजापुर में पड़ती है लेक। बैंगलोर में ना बहुत सारी लेक्स हैं, बहुत सारी लेक्स, तो उनमें से एक लेक ये भी है। ये इसका नाम सजयपुर रोड की तरफ पड़ती है, काइकोंडर हल्ली करके कुछ जगह है वहाँ पर है। और यहाँ पर एक बटरफ्लाई पार्क भी था, मतलब बोर्ड लगा हुआ देखा था हमने। और इसकी एंट्री फ्री होती है, टाइमिंग्स 5:30 से स्टार्ट हो जाती है, बीच में दोपहर में 2 घंटे के लिए बंद होता है, और फिर इवनिंग में 3:30 से 6:30 बजे तक इसकी टाइमिंग है। और शार्प 6:30 गार्ड्स वहाँ के हमें निकलने के लिए बोल देते हैं बाहर। बहुत नीट एंड क्लीन नहीं थी, लेकिन ठीक है, वन टाइम थी, जा सकते हैं, ट्रैक पर घूम लो, राउंड लगा लो। पूरा हमें 1.25 घंटा के करीब लगा था रिधान के साथ में राउंड लगाने के लिए। और यहाँ पर बहुत सारी बोट्स थी, बहुत सारी वाटर बोट्स थी, ऊपर भी नीचे भी वाटर में, बहुत बहुत बर्डीज हमने बहुत सारी देखी। रिधान खुश हो रहा था और अच्छा था, मतलब एक चेंज था एनवायरनमेंट, अच्छा था, मतलब हमें अच्छा लगा बाहर निकलने के। इतने टाइम बाद बाहर निकले थे रिधान के साथ में, आई नो ठीक नहीं था, बट यार कब तक अवॉइड करेंगे, बस ये कि जीना सीख लो इसी के साथ में, इसी के साथ में जीना सीख लो ऐसे ही। तो अब यही है, बच्चे भी कब तक घर में रहें। अच्छी लेक थी, मतलब नीट एंड क्लीन नहीं थी, बाकी सब ठीक था। बैंगलोर में बहुत सारी लेक्स हैं ऐसी। और ये ना मैं करेला नमक लगा के छोड़ के चली गई थी, क्योंकि करेला में ना वो कड़वा सा लगता है, तो 1.5 घंटा चाहिए होता है कि उसको नमक ला के छोड़ दो। और मेरा प्लान ये था कि मैं जाने से पहले ही ये सब कुछ बना के जाऊंगी, डिनर बना के जाऊंगी, बट यार नहीं हो पाया, तो मैंने आकर फिर डिनर बनाया था, करेला बनाया था। तो यहाँ पर मैंने करेले को फ्राई कर लिया था, साथ में मैं यहाँ पर प्याज भी फ्राई कर रही हूँ, और बाद में इसमें नींबू अमचूर वगैरह ये सब डाल के अच्छी से सब्ज़ी बना लूँगी। थोड़ा सा शुगर भी ऐड किया था, क्योंकि कच्चा मतलब थोड़ा सा ना कड़वा कड़वा वाला टेस्ट आता है। तो यहाँ पर बन रही है मेरी करेले की सब्ज़ी, जो प्रिपेयर हो चुकी थी, ठीक ठाक बनी थी। और इसी के साथ में रिधान हलवा 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 कर रहा था, तो मैंने कहा ठीक है चलो एक आटे का हलवा ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया 1 कप चीनी और 2 कप के करीब पानी है, और यहाँ पर मैंने 1 कप आटा लिया है, उसको मैंने भून लिया, पहले ही ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। मुझसे एक गलती ये हुई कि 1 कप मतलब मैंने बस 1 कप का फुल करके डाल दिया, हल मुझे दबाना चाहिए था तो थोड़ा सा आटा और आ जाता, क्योंकि ना ये थोड़ा सा कम लगा था मुझे भून, मतलब बाद में बहुत टाइम लिया पानी डालने के बाद ही, बहुत टाइम लिया था। और यहाँ पर मैंने लिया है 3/4 कप घी, और इसके बाद में यहाँ पर मैं इसको फिर से घी में रोस्ट कर रही हूँ। अगर ये ड्राई फ्रूट्स भी ऐड किए, ड्राई फ्रूट्स मैंने पहले ही फ्राई कर लिए थे, और इसी घी में मैं बाद में जो ड्राई रोस्ट किया हुआ हलवा है वो मैं ऐड कर दूँगी। और करीब 2 से 3 मिनट मैंने फ्राई इसको घी के साथ में फ्राई किया था, तो पता है क्या हुआ था, थोड़ा सा ना मेरा ये कम रह गया था आटा, मैंने थोड़ा सा कम ले लिया था, मतलब मुझसे नापने में थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो मैं थोड़ा सा बहुत देर तक करती रही, और वो ना बहुत ज़्यादा ब्राउन हो गया था, मतलब एकदम डार्क ब्राउन हो चुका था। मुझे लगा था थोड़ा सा वो मतलब वो थोड़ा सा ना ये बिल्कुल चॉकलेट वाला कलर में आ गया था, जबकि थोड़ा लाइट ब्राउन होना चाहिए, बट ठीक है रिधान खा गया था, उसने कहा चॉकलेट वाला हलवा। और उसी के बाद मैंने ये ना 2 कप पूरा का पूरा चीनी वाला पानी था ना वो भी डाल दिया था। तो ना आइडियली ये ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए यार, आटा बहुत जल्दी एब्जॉर्व करता है, 3-4 मिनट हद से हद लो फ्लेम में इसको एब्जॉर्व कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बहुत टाइम लगा था। हाई फ्लेम में भी मुझे कम से कम 7-8 मिनट लग गए थे, तब जाके इस स्टेज पे आया था। तो कुछ तो गड़बड़ी हुई है इस हलवा बनाने में, मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा से ट्राई करूँगी, बट ठीक है टेस्ट में ठीक बना था। रिधान ने खा लिया था चॉकलेट हलवा करके वो खा गया था, टेस्ट में अच्छा बना था। मेरे हस्बैंड वो कौन सा हलवा है, वो भी कह रहे थे नहीं ठीक है चॉकलेट हलवा है, अच्छा था। लो पर अभी हॉट है, ठीक है खाओगे, लेकिन अभी हॉट है, देखो हॉट है, फिर इतना आराम से खाना ठीक है।
बादाम खाओगे? अभी फूक मार के खाओ, फूक मार के, फूक मार के, फूक मार के, बहुत हॉट है। एक बार बता दो मोमो को कैसा लग रहा है रतन? मीठा मीठा मीठा। और कैसा लग रहा है? यम्मी सा। और टेस्टी। और पर इधर ये मम्मा का सामान आया है, इसमें आपका सामान थोड़ी है, कुछ मम्मा का सामान है इसमें। पहले उसको फाड़ो, उसको अलग करो, उसको ऐसे खा, इसको काटो, फाड़ो ना इसको ऐसे करके। वाओ, इधर मम्मा का कुछ सामान आया है, इधर दिखाओ मम्मा को इसमें। मम्मा को दिखा दो ना एक मिनट इधर। ये मम्मा का सामान है कुछ। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा सामान है। तो ना मैंने ये ऑर्डर किया है, ये है कप स्टैंड। मेरे जो कप है ना, ओके ठीक है, तो कोई भी चीज़ आती है वो रिधान की हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो ये स्टेनलेस स्टील का है, क्वालिटी वॉलिटी बहुत अच्छी है। 295 रुपीज़ ये मुझे मिला है, 295 रुपीज़ का। अब शायद मैं देख रही थी इसके ना, इसके डिलीवरी चार्जेस उन्होंने लगा दिए हैं, मैंने विदाउट डिलीवरी चार्जेस इसको मंगाया था। ठीक है, ओके, हाँ रिधान का है ये। तो पता है, बस मुझे अच्छा लग रहा है, बस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बड़े वाले जो कॉफ़ी मग होते हैं ना, वो शायद उसके हिसाब से ये दो गया, ओके उसके हिसाब से ना ये शायद थोड़ा सा छोटा, मुझे देखना पड़ेगा। अगर ये बड़े वाले काफ़ी कॉफ़ी मग्स आपस में टकराएंगे तो फिर मैं शायद इसको रिटर्न कर दूँगी। और वैसे क्वालिटी क्वालिटी भाई सब ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। 12 है इसमें, आप एक बार में 12 कर सकते हो। तो ये बहुत पहले मंगाया था मैंने, बहुत पहले जब मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, आइंस्टीन बॉक्स वगैरह शेयर किए थे मैंने, लास्ट शायद लास्ट वीक की बात है, लास्ट सैटरडे संडे वाला व्लॉग था, उस दिन भी हम लोग लेक गए थे, वापस आ गए थे जल्दी। इस बार तो चलो हमें मिल गया लेक जाना, ध्यान चोट लग सकती है किसी को, तो ये वाला। और अच्छा है वैसे, देखती हूँ मैं, नहीं तो रिटर्न करूँगी तो बहुत। लेकिन डिलीवरी पता कितने, 11 अगस्त को मैंने किया था और मुझे मिला ये कल परसों मिला है, तो लगा लो कम से कम 12 दिन लिए हैं इसने इसको डिलीवर करने में। 12 दिन अमेजन से कोई भी चीज़ 12 दिन में आ रही है, इतनी छोटी सी चीज़ सोच लीजिए। पर ठीक है, अभी देखती हूँ मैं, चेक करती हूँ इसका मुझे कप वगैरह, अगर आपस में टकराएंगे नहीं तो मैं रखूँगी। तो ये था बस हमारा संडे यार। आप लोग भी कहोगे ना यार क्यों बाहर जा रहे हो, क्यों बाहर जा रहे हो, लिटल यार। लेकिन अब मेरा बच्चा ना बिल्कुल मानता नहीं है यार, बिल्कुल नहीं मानता है। तो रिधान को ना चाहिए कि मुझे बाहर घुमाने लेकर जाओ, मतलब यार आई नो कि ठीक नहीं है, बट ठीक है, हम लोगों ने सेफ्टी के साथ गए थे, बहुत ज़्यादा क्लोज में नहीं आए थे किसी के। हाँ रिधान, अभी बताएंगी मम्मा क्यों मंगाया था, अभी बताएंगी। ओके तो यार ठीक है चलो। और आटे का हलवा रिधान खा गया कि चॉकलेट हलवा, समझ के चॉकलेट हलवा है समझ के वो खा गया, थैंक गॉड। मेरे हस्बैंड भी कह रहे ठीक बनाया था, कुछ नहीं था। तो चलो यार, इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बाबू।